नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिर से एक चारपाई में नई डिजाइन लेकर आया हूँ मैं। और डिजाइन भी आपको आज अलग बताई जाएगी, ना कोई इसमें फूल की डिजाइन ना और कुछ, आपको अलग ही डिजाइन दिखाई जाएगी दोस्तों। उस डिजाइन में आप तो देख पा रहे हैं कि लहर है पूरी एकदम। इस लहर में से अलावा भी आपको दूसरी साइड हमारा है, याद ही चारपाई में दिखा रहा हूँ आपको, दूसरी साइड भी आपको दिखाऊंगा। उसे मैंने एक अलग डिजाइन बनाई आपके लिए। इस ये तो लहर में मैं तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई, इस प्रकार से आप तीन दबाते हो तीन उठाते रहिए। इसमें दोस्तों आपको हर तीसरी रस्सी का उल्टा कर देना है तो आपके आगे रस्सी बन जाएगी। तो इस प्रकार से आप ये चारपाई स्टार्ट कर सकते हैं। और चारपाई स्टार्टिंग कैसे करते हैं, ताना कैसे खींचते हैं, माइक कैसे गूंथते हैं, ये सभी के बारे में मैंने बता दिया है। यदि वो वीडियो आपने देख ली है तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आपको डिजाइन दिखा देता हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों नीचे एक लाइक का बटन है, वो भी आप दबा दीजिए ताकि बाद में आप वीडियो की भावना में खो जाते हैं तो आपको ध्यान नहीं रहता, तो वो भी आप दबा दीजिए। और आप कमेंट लिखना चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स भी है, वहाँ भी आप लिखकर हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों। देखो मैंने इसमें सेंटर में एक ये लिया, सेंटर मैंने निकाला यहाँ पे सबसे पहले, और यहाँ से स्टार्ट किया मैंने इस तरफ से। इसमें सिर्फ मैंने तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई, पूरी चारपाई में इस प्रकार से लिया। और यहाँ सेंटर में मैंने क्या किया, पहले तीन उठाई थी फिर पाँच उठाई, फिर यहाँ एक दबाई फिर तीन दबाई फिर पाँच, फिर हर तीसरी रस्सी का उल्टा कर दिया मैंने, छेड़ तक हर तीसरी रस्सी का उल्टा किया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है, यहाँ पे मैंने किया है तीन उठाकर एक रस्सी दबाई, फिर तीन उठाकर एक दबाई, फिर तीन उठाकर एक रस्सी दबाई। इसमें तीन उठाकर तीन दबाई नहीं किया मैंने, तीन उठाकर एक रस्सी दबाई है, फिर तीन उठाई एक रस्सी दबाई, तीन उठाई एक रस्सी। इस प्रकार से मैंने ये डिजाइन आगे की बनी है, इसको दो भागों में बांटा है। आप चाहें तो ये एकदम सेम डिजाइन भी बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ मैंने कुछ एक अलग डिजाइन बनाई है, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। देखो ये डिजाइन मेरी अलग है और ये डिजाइन एक अलग है। आप चाहें तो इस प्रकार से दोनों को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी आप तीन दबा तीन उठाकर एक रस्सी दबा सकते हैं, फिर तीन उठाकर एक रस्सी दबा दी, तो इस प्रकार की लहर आ जाएगी। वो आपके ऊपर है दोस्तों किस प्रकार से आपको ये बनाना चाह पाई। लेकिन फिलहाल मैंने तो इसी प्रकार से बनाई है। देखो ये अलग डिजाइन में दिखा रहा हूँ आपको पूरी में, ये सिर्फ आधी में अलग डिजाइन बनाई है और आधी में इसमें अलग डिजाइन बनाई है। उस डिजाइन क्या किया मैंने, सिर्फ यहाँ से तीन उठाकर एक रस्सी दबाई है, फिर ये तीन उठाकर एक रस्सी दबाई, फिर तीन उठाकर एक रस्सी, हर तीन रस्सी के बाद में एक रस्सी दबाई। और ये डिजाइन आप देख पा रहे हैं, ये दोस्तों मैंने क्या किया, ये थोड़ी अलग डिजाइन है, आप देख पा रहे हैं। ये पूरी डिजाइन भी आपको दिखा दूंगा मैं किस प्रकार से बनाई है, लेकिन ये एक अलग डिजाइन, फिर ये जगह बची मैंने हर उल्टी सीधी कर ये बनाई है। ये स्टार्टिंग में मैंने आज शुरू से बनाई है। यदि आपको अच्छी लगे तो मैं और भी इसमें कोशिश करूँगा सुधार करने की। हो सकता है कि आज पहली बार बनाया मैंने, कमी होगी इसमें, लेकिन इससे बेहतरीन भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए मैं सोचता है कि कई दोस्तों ने बोला था कि कोई आपको इसमें कोई अलग डिजाइन बनाकर दिखाइए या किसी का आप चित्र बना के दिखाइए, तो वही आज मैंने किसी का डायग्राम बना के दिखाया है आपको ताकि आप आसानी से। इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना होगा, ये एक डॉट का ध्यान रखना पड़ेगा, हर तीन रस्सी उठाकर फिर एक रस्सी दबाना होगा ताकि हमारी ये लाइन ये अच्छी तरह से दिख जाए उसमें, इस प्रकार से आपको नहीं दबाना। इसलिए मैंने दो डिजाइन बनाई है अलग अलग से, ताकि आप ये तीन उठाई तीन दबाई वाली डिजाइन नहीं शुरू करनी है आपको, सिर्फ ये तीन उठाकर एक दबानी, फिर तीन उठाकर एक दबाई, फिर तीन उठाकर एक दबाई, ये डिजाइन आपको स्टार्ट करना है, ताकि फिर ये डिजाइन आप बनाएं कोई भी डायग्राम या फूल या और चीज़ बनाएं तो वो आपको आसानी से दिख सके। इसमें मैंने क्या किया, पहले दो रस्सी फिर तीन रस्सी फिर चार रस्सी दबा दी, फिर तीन रस्सी दबाई है, फिर दो रस्सी तीन रस्सी, इसमें काटा भी रस्सी को, जो रस्सी मैं आपको बताता था कि डबल रस्सी हमारी है, देखो ये डबल, इसमें मैंने रस्सी भी काटी है इस प्रकार से, कहीं कहीं सिंगल भी एक भी मैंने इस प्रकार से एक रस्सी भी होती है, ये भी मैंने दबाई है। तो इस प्रकार से ये रस्सियाँ भी मैंने इस डिजाइन को बनाने के लिए कट किया है। ये थोड़ा आपको आडा टेढ़ा दिख रहा है क्योंकि ऐसी डिजाइन मैंने बनाई है थोड़ी इधर उधर से। ये देखो ये रस्सी आपको कटी हुई दिख रही है, यह मैंने रस्सी काटी है फिर यहाँ पर काटी है, तो इस प्रकार से रस्सी भी थोड़ा काटी है मैंने, ये हल्का थोड़ी लंबी भी रस्सी आएंगी इसमें। तो ये सभी चीज़ इस डिजाइन बनाने के लिए आपको रस्सियाँ भी काटने की ज़रूरत पड़ेगी।
हो सकता है आप डिजाइन बनाते समय आप रस्सी काट लीजिए, देखो यहाँ पे मैंने 5 रस्सी दबा दी हैं, यहाँ पे 3 दबाई थी, यहाँ पे 4 रस्सी दबाई, इस प्रकार से भी ये रस्सी आपको दबानी होगी। प्रॉपर मैं आपको रस्सी नहीं बता सकता कि कितनी रस्सी आपको दबानी है, कितनी रस्सी उठानी है। देखो यहाँ पे इस डिजाइन, यहाँ पे रस्सी मैंने काट दी है, थोड़ा यहाँ भी काटी है, इस प्रकार से इसमें रस्सी थोड़ा उल्टा सीधा की जरूरत है ज़्यादा इसमें सभी। फिर यहाँ पे मैंने देखो ये अलग डिजाइन डाल दिए हैं, ये देखिए इसको काट कर दोनों को मतलब मैच कर दिया है। इससे आगे देखो ये बीच में लहर मैंने फिर 3 उठाकर एक दबाई, 3 उठाकर एक दबाई, ये बनाई। फिर आगे ये हमने फिर से इसको मैच किया है, ये मैंने 9 रस्सी, फिर कहीं 5, कहीं 3, कहीं 5 रस्सी दबाई हैं, इस प्रकार से रस्सी दबाई। यहाँ भी बीच में मैंने यहाँ पे 9 रस्सी दबाई, फिर 5, फिर यहाँ 5 दबाई, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 5, 3, यहाँ पे 3 उठाकर एक दबाई, फिर 3, फिर यहाँ 4 रस्सी दबा दी, 2 उठाई, फिर 1 रस्सी दबा दी। तो इस प्रकार से यहाँ 5 रस्सी दबा दी, यहाँ 5, यहाँ 3, 3, 3, फिर यहाँ 2, 1 रस्सी दबा कर 2 उठा लिए, फिर 1 रस्सी दबाइए। तो इस प्रकार से डिजाइन देख पा रहे हैं आप, एक मैंने अलग ही डिजाइन आपके सामने बनाकर दिखाई है। ये जैसे ये कोई ऊँट है हमारा राजस्थान में, आपको पता है कि दोस्तों ऊँट बहुत ही चलते हैं, तो वही मैंने एक डिजाइन बनाई है ताकि आसानी से आप भी बना सकें। कई दोस्तों ने बताया था कि कोई और चित्र बना के देखे, हाथी का या घोड़े का या मोर का, तो आज सबसे पहले मैंने यही एक चित्र बनाने की ट्राई किया मैंने और ये बन गया है। इसमें थोड़ी कमी होगी तो दोस्तों आप थोड़ी सी आप भी कोशिश करना, आपके पास ही बन जाएगा। और अब की बार मैं और कोशिश करूँगा इसमें ताकि आपको सही बन सके। इसमें आज मैं आपको रस्सी नहीं बता सकता क्योंकि रस्सी में पता नहीं है, मैं इसमें काटी भी है रस्सी कुछ, कहाँ 3 दबाई, कहाँ 1 दबाई, कहाँ 4 दबाई, कहाँ 5 दबाई हैं, कहीं इसमें 9 रस्सी दबाई हैं, कहीं 11 रस्सी भी दबी हैं। तो इस प्रकार से दिए डिजाइन मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी कि किस प्रकार से हमारी डिजाइन बनाई है। और ये मैंने छोटा बनाया है क्योंकि स्टार्टिंग था मेरा, तो आप चाहें तो इसको बड़ा यहाँ सेंटर में बना सकते हैं और ये बड़ा ही बना सकते हैं यहाँ से स्टार्टिंग में किया, तो आप चाहें तो ये ब्लॉक में भी बंद कर सकते हैं दोस्तों, वो आपके ऊपर है कि किस प्रकार से बनाना है। आप छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, या यहाँ 4 पैम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ दोनों इसके पैर बनाइए, फिर थोड़ा बीच में गैप दीजिए, फिर यहाँ पे दोनों पैर बनाइए, इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, तो बड़ा भी बन जाएगा। तो अब की बार मैं कोशिश करूँगा कि बड़ा बने थोड़ा, ये तो सबसे पहली ट्राई थी मेरा, इसलिए मैंने ये छोटा इतना बना है ताकि आप आसानी से देख सके। और इसमें एक एक रस्सी मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि कितनी रस्सी मैंने दबाई है, कितनी रस्सी उठाई है। ज़्यादातर दोस्तों 3, 5, 2 रस्सी ये कट के भी इसमें रस्सी दबी हुई है, देखो यहाँ पे ये कटी हुई रस्सी है, ये इसमें फाटी, फिर यहाँ पे सही रस्सी 3 रस्सी, फिर यहाँ 2.5 रस्सी दबा दी है, यहाँ 2 रस्सी दबाई, ये 2 उठा दी, फिर 1 रस्सी दबा दी, फिर 1 उठाकर 1 दबाई, ये बीच में इस प्रकार से किया है। तो ये पैर हमारा ये पैर है, फिर ये एक पैर ये है हमारा, एक पैर ये है, और ये फिर इसका बीच का हिस्सा है, ये यहाँ पे इधर ये पोंछ भी कर दिया मैंने, और ये हमारी गर्दन आ गई है, ये हमारे कान से आ गए हैं इसके। तो इस प्रकार से मैंने ये डिजाइन बनाई है ताकि आसानी से, इसमें सिर्फ ये लहर का आपको ध्यान रखना, आगे आपको शुरू कैसे करनी है, फिर आगे धीरे धीरे 3 दबाते 3 उठाते रहिए, तो ये लहर आपको चल जाएंगे हमारी। तो इस प्रकार से पूरी चारपाई बना सकते हैं, ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया क्योंकि ज़्यादा बड़ी रस्सी हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ये काट पीट के रस्सियाँ दबाई हैं ताकि आप ज़्यादा बड़ी ना रस्सी रहें। ये सभी चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और हल्का सा कोशिश करना पड़ेगा, यदि आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ये आपका डिजाइन है हमारी ये बन जाएगी। और इससे आगे मैं बहुत ही बेहतरीन डिजाइन बनाऊंगा और सुंदर बनाऊंगा, क्योंकि ये सबसे पहली ट्राई थी इसलिए मैंने ऐसा बना है। इसके आगे की डिजाइन तो वो आपको मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से डिजाइन बनाई। चलते मैं आपको दिखा देता हूँ ये सेंटर में दोस्तों क्या क्या, टोटल हमारी 120 रस्सियाँ हैं, तो ये 60 रस्सी हमारी इधर हैं और 60 रस्सी ये इधर हैं। तो इस वाले हिस्से में मैंने कुछ नहीं किया, इस वाले हिस्से में तो आप देख पा रहे हैं कि खाली मैंने 3 रस्सी दबाई है और 3 रस्सी ही उठाई है, बस ये देखो 3 दबाई भी 3 उठाई, 3 दबाई 3 उठाई, 3 दबाई 3 उठाई, ताकि लहर बन सके। और सबसे पहले यदि आप नए हैं, चारपाई नई बनानी स्टार्टिंग की है, चारपाई कैसे बनते हैं, तो ये सबसे पहले सबसे आसान डिजाइन ये लहर बनाना है दोस्तों। तो लहर बनी, इस प्रकार से लहर बन जाएंगे, सबसे पहले ये सीखें, फिर उसके बाद में थोड़ा डिजाइन आपको डालना है तो ये आगे का हिस्सा सीखें। इससे देखो पीछे पीछे का सबसे पहले आपको बनाना है, फिर थोड़ा सा डिजाइन आ जाए तो सेंटर आपको इस प्रकार से निकालना है, उसका सेंटर निकाल लीजिए। और सेंटर निकाल कर इस प्रकार से पहले देखो यहाँ 3 दबाई, फिर मैंने 5 उठाई, तो यहाँ मैंने क्या किया था, पहले यहाँ 3 दबाई दी, फिर 2 दबाई, फिर 1 दबाई, इस प्रकार से आपको ये करना है ताकि आसानी से ये बन सके हमारी।
और फिर यह सेंटर आपको निकालना है। सेंटर जितनी भी आपकी चारपाई है, लंबी हमारी चारपाई है, उसमें आपके पास हो सकता है कि 90 रस्सियाँ, 80 रस्सियाँ या 70-80 भी आ सकते हैं, तो आप उसका सेंटर निकालिए। यदि छोटा आपके पास पिड्डा है उसमें हो सकता है कि 50 रस्सियाँ या 40 रस्सियाँ, तो उसका सेंटर निकाल लीजिए। सेंटर निकाल के इस प्रकार की डिज़ाइन आप बनिए। फिर उसमें क्या करना, यदि बीच में आ जाए सेंटर में सिक आ जाए, हो मान लीजिए ये हमारा एक पिड्डा है और इसका सेंटर यहाँ पे है, तो उसकी ये लहर इधर जा रही है, तो फिर आप एक रस्सी आगे दबा दीजिए इससे। अभी हमने एक दबाई तो यहाँ दो दबा दीजिए, तो ये रस्सी इधर चल पड़ेगी ये लहर, तो सभी लहर मुड़ जाएगा। आप इस प्रकार से लहर हमारी क्या कि नई डिज़ाइन बन जाएगी। ये फूल इधर जा रहे हैं तो फिर बीच में एक सेंटर में इस प्रकार से बनेगा, इसके विपरीत हो जाएगा, उल्टा उल्टा होने से कारण से फूल बन जाएगा हमारा, तो सेंटर में आपको फूल की डिज़ाइन सीख जाओगे आप। तो इस प्रकार से डिज़ाइन सीखनी आपको, तो वो आसानी आसानी चीज़ सीखनी है। फिर यदि आपको ये चित्र बनाना है हमारे को किसी भी पक्षी का, मोर का, हाथी घोड़ा का, तो वो भी धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से देख कर आपको बनाना है, और वो सीख सकते हैं आप आसानी से। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।